अब हम देखेंगे कि अकलजार को निकालना क्यों जरूरी है। इसकी वजह से बहुत दिक्कत आ जाती है, वो हम देखेंगे कैसे। कि जैसे ये दांत है, ये आया ही टेढ़ा है तो आ नहीं पाता है, दूसरा या तो मुंह में जला करोगे। जैसे हम पहले के टाइम में हमारा जो खाना था वो सख्त था, होली होली हमारा खाना नरम हो गया है तो दांत की जगह कम हो गई है, पर दांत उठने है तो यह फंसा रह जाता है। वो आने की कोशिश करता है तो वो दर्द करता है, वहाँ सोजिश कर देता है, माथ में सोजिश आ जाती है। और अगर आ भी जाता है तो वहाँ पे पूरा सोजिश बना के वो सोजिश फैलते 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 हमारे गले तक चली जाती है, हमसे खाना भी नहीं निकल जाता, या फिर उसमें कीड़ा लग जाता है और आगे वाले दांत को भी हिलाने शुरू कर जाता है और उसमें भी कीड़ा लग जाता है, तो ये दिक्कत आ जाती है। या फिर उसके नीचे रसोली भी बन सकती है, तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत आ जाती है। जैसे हमने देखा कि सोजिश आ गई, मुंह खोलना मुश्किल हो जाता है, मुंह सांस गंदी आती है, मुंह में खट्टा टेस्ट आता है, पेन इरिटेशन होती है और खाने में भी चबाने में दिक्कत होती है, इसलिए इसको निकालना ही अच्छा रहता है।